जयावर रामचंद्र की मार मुक्त वंशी। वो गृह का है, ग्रहण से भी बढ़कर यानी इंद्रियां मन बुद्धि इनसे भी बढ़कर इनका भी ज्ञाता साक्षी दृष्टा चेतन जो है सो आत्मा है। तो ज्योति सामपी तज्योति, और वो आत्मा का भी आत्मा चेतन का भी चेतन यानी आप जो जीवात्मा है उनसे भी श्रेष्ठ है। जीव है वो माया करके बद्ध है और परमात्मा नित्य मुक्त है। तो ज्योतियों का ज्योति है, तम जो है अंधकार उससे भी वो परे है। सूर्य आदि का जो प्रकाश है उसका भी वो प्रकाशक है। अंधकार से तो परे सूर्य आदि है, जहां सूर्य रहता है वहां अंधकार नहीं रह सकता, और वो सूर्य आदि से भी पर है, इसका भी प्रकाशक है। तम माने अज्ञान, वो अज्ञान से भी पर है, क्योंकि अपने बुद्धि की वृत्ति रूप जो ज्ञान है उसका भी वो प्रकाशक है। ज्ञान से भी वो पर है, वो ज्ञान से भी पर है परमात्मा। तम माने अविद्या, वो अविद्या से भी पर है, क्योंकि अविद्या जो है प्रकृति माया जिस वो जड़ है और वो चेतन है आत्मा है, इसलिए तम से परमुच्यते, तम से वो परे कहा गया। कैसा कि ज्ञानम, वो ज्ञान स्वरूप है, बुद्धि की वृत्ति रूप ज्ञान नहीं। ज्ञान माने चेतन, और ये भी है जानने के योग होने से ये है, जानने का फल जो है उसका वास्तविक स्वरूप है, जिसे भगवान कहते हैं ज्ञेयं यत तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमस्तुते। सूक्ष्म और शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा जो जानने में आवे ऐसा जो ब्रह्म का स्वरूप है उसकी मैं व्याख्या तेरे प्रति कहूंगा। जिसको तू जान करके और अमृत को प्राप्त हो जाए। अमृत क्या है कि परमात्मा का वास्तव के शुद्ध स्वरूप प्रापणीय वस्तु। एक तो ब्रह्म का स्वरूप वो है कि बुद्धि ग्राह्य, बुद्धि के द्वारा जाना जा सके, और एक वो कि उस बुद्धि के द्वारा जाना जाए उसका फल, तो वो है ये जो जानने में आवे। सूक्ष्म और शुद्ध ही बुद्धि के द्वारा, अचल बुद्धि के द्वारा जो जानने में आवे वो परमात्मा का स्वरूप, और एक वो कि जानने का फल ब्रह्मवित्त ब्रह्म एव भवती। ब्रह्मवित्ता ब्रह्म ही बन जाता है, ब्रह्म का ज्ञाता पहला ब्रह्म को जानता है फिर ब्रह्म बन जाता है। तो जानने में आने वाला जो ब्रह्म का स्वरूप है वो ज्ञे, और जाना जावे वो तत्व ज्ञान से। इस वास्तव का ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जाना जावे। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म वेता जिस ब्रह्म को जानते हैं और जान करके फिर वे ब्रह्म ही बन जाते हैं, ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए उसको ज्ञान गम्य। और सबके हृदय के बीच के मां स्थित है तो सब जगह, किंतु हृदय में उसकी उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है, उसका अनुभव होता है, इसलिए हृदय में स्थित बतलाया। सर्वश्रेष्ठ चाहूं हृदय सन्निविष्टो,
गीता अध्याय 10 श्लोक 20 में कि अर्जुन सबके हृदय में स्थित मैं सबकी आत्मा हूं, तो परमात्मा ही सबकी आत्मा है। आत्मा व्यष्टि चेतन और परमात्मा समष्टि चेतन, ये जो आत्मा की चेतनता है उससे भी उसका स्वरूप अलौकिक विलक्षण। ज्ञाता ज्ञान की जानने में आने वाले पदार्थ घी जिसके द्वारा जाना जाए उसे बुद्धि की वृत्ति का नाम ज्ञान, और जानने वाला चेतन जो आत्मा है वो ज्ञाता। तो ज्ञाता ज्ञान घे इसकी जो त्रिपुटी है उस समय में ज्ञाता का जो स्वरूप है वो चेतन। ज्ञाता ज्ञान घे त्रिपुटी के समय जो ज्ञाता है चेतन वो आत्मा है। आत्मा का जो ज्ञान है उसका जो फल है वो परमात्मा की प्राप्ति है। तो वहां फिर ज्ञाता ज्ञान घे ये त्रिपुटी नहीं है, वहां केवल एक वो विज्ञानानघन परमात्मा ही है। वहां ज्ञान और ज्ञेय का अत्यंत अभाव है, वो भाव रूप चेतन है। वो चेतन है, चेतन है कहने से चेतन और है ये दो पदार्थ नहीं हुए। चेतन को बतलाने के वास्ते ही वहां है शब्द है, यानी अस्थि शब्द है। तो सत्य चित्त की एकता हुई कि वो ही सत्य है, वो चेतन है, यानी चेतन ही सत्य है, बाकी और कोई पदार्थ है ही नहीं। तो चेतन के अलावा कोई सत्य वस्तु नहीं है। समझाया गया कि वो चेतन है, यानी जड़ का अभाव है। तो प्रकृति प्रकृति का कार्य जो है संसार जो जड़ वर्ग है इनका वहां अतंत भाव है, वो भाव रूप जो है वो चेतन है सत चित आनंद, और वो चेतन ही आनंद भगवान के अस्तित्व स्वरूप को समझाने के वास्ते गीता की 12वीं अध्याय का 3रा श्लोक और चेतन तत्व को समझाने के वास्ते 3वीं अध्याय का 17वां श्लोक और आनंद तत्व को समझाने के वास्ते 5वीं अध्याय का 21 और 6वीं अध्याय का भी 21 का श्लोक 5वीं का भी 6वीं। बाज सप्रशेष अशक्त आत्मा बिंदित आत्मिन यत सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुख मक्षमश्नुते। बाहर के पदार्थों में जो आसक्ति रहित पुरुष है, यानी संसार में जिनकी आसक्ति नहीं रही है, ऐसा जो बीत राग अनासक्त जो पुरुष है, संसार से जो अत्यंत विरक्त हो गया है ऐसा पुरुष, उसको कहते हैं बाह्य अशक्त आत्मा। परमात्मा से बाहर जितने पदार्थ है उनमें किसी में जिसकी आसक्ति नहीं है, यहां से लेकर के ब्रह्म लोक के पदार्थों भोगों तक लोकों तक जिसकी किंचित मात्र कहीं भी आसक्ति नहीं रही, ऐसा पुरुष बिंदति आत्मन यह सुखम, आत्मा में सुख का अनुभव करता है, आत्मा को सुख के रूप में देखता है।
आत्मा ही आनंद है, इस प्रकार से अनुभव करता है। आत्मा को सुख के रूप में अनुभव करना ये साधन अवस्था है, ध्यान अवस्था है। आत्मा ही आनंद है, इस प्रकार से जी आत्मा में ही सुख देखता है, आत्मा को ही सुख समझता है। स ब्रह्म योगयुक्त आत्मा, वह है ब्रह्म योगयुक्त आत्मा पुरुष। ब्रह्म जो परमात्मा, उसमें जो एकता, उसका नाम योग, ब्रह्म योग। उस एकता में जिसकी आत्मा युक्त है वह ब्रह्म योगयुक्त आत्मा, यानी ब्रह्म के स्वरूप के मां जिनकी आत्मा एक ही भाव से स्थित हो गई है, यानी ब्रह्म के स्वरूप के विश्व में जिसका ऐसा निश्चय हो गया है कि मैं ही ब्रह्म हूं, उसको कहते हैं ब्रह्म भूत। ब्रह्म भूत, ब्रह्म भूत प्रश्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, समस्त वेशु भूतेषु मद भक्ति में लभते पराम। ब्रह्म भूत जो पुरुष है, ऐसा पुरुष न शोक करता है, न कोई चीज की आकांक्षा करता है, वहां शोक और इच्छा का अत्यंत अभाव है। और ब्रह्म को शब्द के वहां सम भाव से अनुभव करता है, ब्रह्म के स्वर किसी का भी अनुभव नहीं करता। ऐसा पुरुष पराभक्ति को, माने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, उसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। भक्त्या माम भी जाना थी यावान यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विस्ते तदनन्तरम्। उस पराभक्ति यानी ज्ञान से भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, मुझ परमात्मा को अच्छी प्रकार से वो जान जाता है, जैसा मैं हूं, जितना हूं, जिस प्रकार का हूं, इस प्रकार को यथार्थ रूप से मुझ ब्रह्म को वो जान जाता है। फिर इस प्रकार तत्व से जान करके मुझ परमात्मा के मां प्रवेश कर जाता है, यानी मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, वो परमात्मा ही बन जाता है, ब्रह्म को जान करके ब्रह्म ही बन जाता है। ब्रह्म ब्रह्म ये बहुत ब्रह्म बिता ब्रह्म हो जाता। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार ये उसको ब्रह्म की प्राप्ति बतलाई। तो ब्रह्म योगी उठा आत्मा उस साधन अवस्था के मां उसे की ये संज्ञा हुई कि उसको ब्रह्म योग युक्त आत्मा कहते हैं, ऐसे साधक को, ऐसे उच्च कोटि के साधक को। और उसका फल अक्षय सुख को प्राप्त हो जाता है। अक्षय सुख है परमात्मा का वास्तविक स्वरूप, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, असली ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो निर्विशेष जो ब्रह्म है, गुणातीत जो ब्रह्म का स्वरूप है, उसको प्राप्त हो जाता है, यानी वो ब्रह्म बन जाता है। ये गीता की पांचवी अध्याय का 21 का श्लोक। इसी प्रकार छठे अध्याय के 21 के श्लोक में सुख के नाम से उस आनंद में परमात्मा का लक्ष्य कराया गया। सुख मा तंति कर्म तद बुद्धि ग्राजम तिंद्रियम वेति यत्रण चैवायम चित चलती तत्वता। सुखमा तंति, जो अतंत सुख है, जिसकी सीमा नहीं, अंत नहीं, जिसका कभी नाश नहीं हुए, ऐसा जो सुख है, जो इंद्रियों की और मन की जहां पहुंच नहीं, मन भी एक 11 इंद्री है, इनकी जहां पहुंच नहीं, बुद्धि ग्राजम और बुद्धि करके जो ग्रहण करने में आता है, सूक्ष्म सूक्ष्म दृष्टि भी, सूक्ष्म दृष्टि पुरुषों के द्वारा, सूक्ष्म और तीक्ष्म बुद्धि के द्वारा जो जिसका अनुभव होता है, शुद्ध हुई, स्थिर हुई, अचल हुई बुद्धि से जो जाना जाता है, वेति यत्र न चैवायम शेत चलती तत्व, जिस
अवस्था में, जिस काल में, जिस समय में ये साधक पुरुष उस परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करता है, व्यक्ति माने जानता है, अनुभव करता है जिस काल में, फिर उस परमात्म तत्व से ये कभी विचलित नहीं होता, फिर कभी वहां से लौटकर वापिस नहीं आता, उस परमात्मा को सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। संसार में उसका जो शरीर रहता है, ऐसे पुरुष को लोग जीवन मुक्त कहते हैं। उसके शरीर पर कोई कैसा ही आघात पड़े, आकर दुख प्राप्त हो गए, तो वो भारी से भारी दुख के द्वारा भी चलायमान नहीं होता, और उसको कुछ प्राप्त करना नहीं रहता, उससे बढ़ करके और वो कुछ नहीं समझता। यंग लब्धवाचा परंग लाभं मन्यते न, यंग लब्धवाचा परंग लाभं मन्यते न अधिकं ततो यस्मिन् शितोने दुःखेने गुरुणापि विचारते। ये उस छठी अध्याय का 22 का श्लोक। जिस आनंद को पा करके, जिस आनंद में उस ब्रह्म को पा करके, उससे बढ़ करके और कुछ भी नहीं समझता, और उस आनंद में ब्रह्म में स्थित होने पर इसे के शरीर पर भारी से भारी भी चोट पड़े तो वो उससे चलायमान नहीं होता, चाहे उसके शरीर को कोई बोटी बोटी काट डालो, चाहे आग में जला दो। भगवान कहते हैं अर्जुन को, तंग विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम से निश्चय योगतव्यो योगो निर्मिन चेतसा। भगवान कहते अर्जुन, तंग माने उस ब्रह्म को, उस परमात्मा की प्राप्ति को जानना चाहिए। कैसी वो प्राप्ति है कि दुखों के संयोग का वियोग रूप योग, दुखों का जहां अतंत अभाव है, आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि देविक आदि सब दुखों का जहां अतंत अभाव है, ऐसा जो परमात्मा का जो स्वरूप है उसको जानना चाहिए, जिसको योग के नाम से कहा गया है। निश्चय योग शब्द निश्चय पूर्वक जो है आपने प्राप्त करना उचित है। अनिर्विण चेतसा माने वैराग्य चित्त से साधन करते ही रहना चाहिए उसके लिए, जब तक उसकी प्राप्ति न हो जाओ कि मुक्ता केवल आनंद स्वरूप है। कैसा आनंद है? पूर्ण आनंद, पूर्ण आनंद, वो आनंद अपने आप करके परिपूर्ण है, इस वास्ते पूर्ण अपार आनंद, उस आनंद की कोई सीमा नहीं है, इस वास्ते उसको अपार आनंद, शांत आनंद, वो शांति स्वरूप है, उसमें कोई विक्षेप नहीं है, कोई संकल्प नहीं, कोई विकार नहीं, कुछ भी नहीं, शुद्ध है, इस वास्ते शांत आनंद और घन आनंद, आनंद ही आनंद है, आनंद के अतिरिक्त तो कोई वस्तु नहीं। जैसे शिला घन के बीच के वहां पत्थरी पत्थर है, जैसे बर्फ घन के बीच के वहां जड़ ही जड़ है, तो ये सब जड़ पदार्थों के द्वारा वो समझाया नहीं जा सकता, ये तो आकार वाली चीज है, जड़ है। ये कहा जा सकता है कि बस आनंद ही आनंद है और दूसरी वस्तु नहीं, इस वास्ते उसको सतचित आनंद घन कहा। अचल आनंद वो कभी देश काल से विचलित नहीं होता, देश काल से उसका अभाव नहीं होता, वो सब जगह सदा ही रहता है, और है वो भाव रूप, इस वास्ते ध्रुव आनंद सदा है, इस वास्ते उसको नित्य आनंद, और वो चेतन है जड़ नहीं है, इस वास्ते उसको ज्ञान स्वरूप आनंद, बोध स्वरूप आनंद, उस सबसे बढ़कर इस वास्ते उसको परमानंद, सबसे वो महान है, इस वास्ते महान, उसको कहीं अंत नहीं, इस वास्ते वो अत्यंत आनंद, और केवल चेतन ही है जड़ नहीं, स्वास्थ्य चिन्मय आनंद, एक आनंद के साथ दूसरी वस्तु, तो आनंद को
प्रधान मान करके की और उसका अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार से उसका अभ्यास करना चाहिए कि बस एक आनंद ही आनंद, पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, सम आनंद, परमानंद, महानंद, अत्यंत आनंद, अचिंत आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। इस तरह स्थिति मनन करते 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 मन एकदम ब्रह्म रूप हो जाता है, पदरूप हो जाता है, आनंद रूप हो जाता है, आनंद के वहां गल जाता है, आनंद ही बन जाता है। तो इस प्रकार के विशेषणों से जो विशेष वस्तु जानने में आती है परमात्मा का, जो गेय रूप बुद्धि ग्राह्य रूप जानने में आता है, जहां ज्ञाता ज्ञान गे तीन पदार्थ रहते हैं, तो वहां गे तो ब्रह्म है और ज्ञाता साधक है और ज्ञान बुद्धि की वृत्ति है। जहां ज्ञाता ज्ञान गे, उस गे का ज्ञाता बुद्धि के द्वारा ध्यान करता है, तो उस गे की संज्ञा तो ध्येय हो जाती है और साधक की संज्ञा ध्याता हो जाती है, और ध्यान वो ज्ञान जो है बुद्धि की वृत्ति, उस बुद्धि की वृत्ति का नाम हुआ ध्यान। तो ध्याता ध्यान थे, ध्यान करते करते ध्याता फिर ध्याकार को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म रूप बन जाता है, ब्रह्म के रूप में उसकी स्थिति हो जाती है। तो उसमें स्थिति होने से वो उस जगह की माँ केवल एक ब्रह्म को ही अनुभव करता है, वहां ब्रह्मभूत अवस्था है। उस जगह के बीच में ज्ञाता की साधक की ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति हो जाती है, वहां ज्ञाता ज्ञान के ये तीनों मिट जाते हैं, ज्ञाता ध्यान ध्येय ये तीनों मिट जाते हैं, केवल एक ध्येय वस्तु अर्थमात्र वस्तु रह जाती है, उसको समाधि कहते हैं, ध्यान नहीं कहते, या सविकल्प समाधि है। विकल्प मिट जाता है, आगे जाकर के समाधि की स्थिति में स्थित होने से परमात्मा के ध्यान का फल समाधि है, और समाधि में स्थित होने से उसका जो विकल्प है बुद्धि के द्वारा जो ब्रह्म का स्वरूप जो एक माना गया था समझा गया था और उसके बीच के माँ उस रूप को वो साधक प्राप्त हुआ था, वो जो उसकी मानता उनका जो ब्रह्म का स्वरूप है वो सो बुद्धि रूप ब्रह्म का स्वरूप सब वहां समाप्त हो जाते हैं। वहां विकल्प क्या रहता है कि शब्द अर्थ और ज्ञान, ब्रह्म का नाम और ब्रह्म का स्वरूप और ब्रह्म का ज्ञान, वहां ब्रह्म विषय की तीन वस्तु है ही, ब्रह्म का स्वरूप और ब्रह्म का नाम। ब्रह्म ये जो वाणी के द्वारा कहा जाता है ब्रह्म का नाम, इसका जो अर्थ होता है इस वो ब्रह्म का स्वरूप, और ये ही ब्रह्म है, ये उस ब्रह्म के विषय का ज्ञान, ये तीनों वहां समाप्त हो जाते हैं और केवल आपने उस ब्रह्म रह जाता है, ब्रह्म की प्राप्ति का वो निर्विकल्प समाधि। उस निर्विकल्प समाधि का जो फल है उसको कोई कह नहीं सकता, उसको ब्रह्म की प्राप्ति कह दो, अपुनरावृत्ति कह दो, उसको निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति कह दो, परब्रह्म की प्राप्ति कह दो, परम धाम की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति इत्यादि नामों से गीता में कहा है। इसके लिए एक प्रकार से इस साधन के लिए ये श्लोक है, तद्बुद्ध है सदात्मा नस्तपन निष्ठास्तपरायण गच्छन तय पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धुत कलमशा, ज्ञान निर्धुत कलमशा पुरुषा, ज्ञान करके जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे जो ज्ञानी महात्मा जो पुरुष है, उस कोटि के जो पुरुष है उसको ज्ञान निर्धुत कलमशा सीढ़ी तर सीढ़ी वक्त किस प्रकार से उसको प्राप्त हुए, तदात्मा माने आत्मा माने मन, जिसका मन ब्रह्म स्वरूप हो गया, जिनकी बुद्धि ब्रह्म स्वरूप हो गई, तत् माने ब्रह्म, प्रकाश इति तत् परम, पांचवी अध्याय के 16 श्लोक के अंतिम
में बतलाया कि प्रकाश इति तत्परम, तत्परम प्रकाश इति वो ज्ञान जो है उसे परमात्मा को जना देता है, प्रकाशित कर देता है, बतला देता है। उस तत्व वो ब्रह्म का वाचक है, उसी को लेकर के ये पांचवी अध्याय का सत्रह का श्लोक है। तद्बुद्धिस्तदात्मा नस्तन निष्ठा सत्परायण गच्छन्ते पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धुत कर्मसा। तत्वान उस ब्रह्म रूपी उसका मन हो जाता है, ब्रह्म रूपी उसकी बुद्धि हो जाती है और ब्रह्म के स्वरूप उसकी स्थिति हो जाती है, वो ब्रह्म के ही परायण हो जाता है। ऐसा ज्ञान करके जिनके सारे पाप धुल गए हैं वे अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, यानी ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, यानी पुनर्नयन वाली गति उसी को परम गति कहते हैं, उसको प्राप्त होते हैं। उसका क्रम आपको पहले बतलाया, मन से उस ब्रह्म के स्वरूप का मनन करते करते, मनन ये मनन पूर्ण आनंद पार आनंद शांत आनंद घन आनंद नचल आनंद ध्रुव आनंद नित्य आनंद बुद्ध स्वरूप आनंद ज्ञान स्वरूप आनंद, इस प्रकार से मनन करते करते मन तद्रूप हो जाता है तदात्मान और तद्बुद्ध है। इस प्रकार से उसके बाद में वो जो बुद्धि जो है वो भी ब्रह्म रूप हो जाती है, तद्रूप हो जाती है। निश्चय करने वाली बुद्धि इन विशेषों की आवृत्ति करते करते उस विशेष वस्तु का अनुभव कर करके और वो विशेष वस्तु को प्राप्त हो जाती है, परमात्मा को प्राप्त हो जाती है। तब समझो कि ध्याता ध्यान ध्येय त्रिपुटि मिल जाती है और केवल एक ध्येय वस्तु परमात्मा ही रह जाते हैं, उसमें उसकी स्थिति हो जाती है उत्पन्न निष्ठा, उस परमात्मा के स्वरूप में निष्ठा यानी स्थिति। और फिर उसके बाद में तत्परायण है वो, फिर आगे जाकर परमात्मा ही बन जाता है, वो फिर लौट कर वापिस नहीं आता, वो अपुनरावृत्ति उन्हें नवाने वाली गति को प्राप्त हो जाता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण ज्ञानश्रुवां मां जियां शांति शांति शांति।